तो क्या हाल है दोस्तों आपका? होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज की वीडियो में हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट अनुज भाई गिज्मो ज्ञान से। आज ना बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि हम एज अ यूट्यूबर इतने सारे फोन यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं अनुज भाई? बिल्कुल। एंड अनुज भाई का चैनल ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है, एक बार चेकआउट जरूर करना, भाई का कंटेंट देखना, फिर इन्हें सब्सक्राइब आप अपने आप ही करोगे। पहले बताएंगे अपने स्मार्टफोन के बारे में अनुज भाई। देखो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा था, पहले ओनर V10 सबको पता होगा, जनवरी में मैंने लिया था जब वो लॉन्च हुआ था, लेकिन इस टाइम पे मैं यूज कर रहा हूँ एसर जेनफोन 5Z, इसी से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी। आपको अगर नहीं पता तो गिज्मो ज्ञान में आप जो वीडियोस देखते हैं वो आती है स्मार्टफोन से, तो ये बड़ी बड़ी एग्जांपल सेट करी है कि वैसे भुवन बाम भी करते हैं तो कि आपको DSLR नहीं चाहिए यार, सही बता रहा हूँ, आपको DSLR नहीं चाहिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये OnePlus 6 से आ रहा है, तो आप स्मार्टफोन से भी काम कर सकते हो। कंटेंट इज किंग। मेरे को ये क्वेश्चन है कि आप स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो है ना, ऑडियो Zoom H1 से करते हो, बट वाई Zenfone 5Z? बहुत सारे ऑप्शन है, OnePlus है, क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा, फ्रंट कैमरा, और जिस बजट पर ये फोन मिला है तो वो काफी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी फोन। बिल्कुल, वैल्यू फॉर मनी फोन। ओके, Zenfone 5Z और Poco F1 एक ही प्राइस रेंज में है, व्हाई नॉट Poco F1? एक्चुअली मुझे जब बिल्ड क्वालिटी Poco F1 की अच्छी नहीं लगी थी, एक्चुअली मेजरली अनुज भाई यही डिफरेंस है। मेजरली मैंने पता क्या देखा अनुज भाई, कि लोगों को Poco में मेजर प्रॉब्लम ही उसकी बिल्ड क्वालिटी है। एंड अगर मैं इस की बात करूं ना Zenfone 5Z से, Zenfone 5Z की टॉप बिल्ड क्वालिटी है, एंड नोज भी काफी अच्छी है, उसकी नोज ना Poco F1 की उतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी बड़ी नोज है। एंड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको Zenfone 5Z में दो सबसे बड़े और दो सबसे बेकार फीचर्स कौन से लगते हैं? देखो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी है, पहला फीचर तो यही है। दूसरा, मैं इसकी फ्रंट कैमरा से सारी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फ्रंट कैमरा से। जनरली हमने देखा है फ्रंट कैमरा से वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है, इसकी मुझे अच्छी लगती है, जो वाइट बैलेंस है, कलर बैलेंस है, काफी अच्छा लगता है मुझे इसका, ठीक है भाई। ये इसकी दो अच्छी बातें हैं। तो अभी हमारे अनुज भाई Zenfone 5Z की दिक्कतें बताएंगे। देखो यार मैंने मेजरली दो प्रॉब्लम फेस की हैं, एक तो बैटरी थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी इसकी, दूसरा अगर मैं इसमें सेकंड व्हाट्सएप यूज करता हूँ, ड्यूल व्हाट्सएप है इसमें, तो उसमें कॉन्टेक्ट शो नहीं होते मुझे, नंबर ही दिखते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो आपको दिक्कत अभी बताई ना अनुज भाई ने, ये एक्चुअली ना रियल वर्ल्ड यूज को डिफाइन करती है। देखो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है जी, हमें परफॉर्मेंस से दिक्कत है, हमें इससे दिक्कत है, बट ये रियल वर्ल्ड यूज की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, विच कैन बी सॉल्व बाय अपडेट। बाय अपडेट आने वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट। एंड अगर मैं अपने स्मार्टफोन की बात करूँ जो मैं प्राइमरी यूज करता हूँ, सबको पता है मैं यूज करता हूँ OnePlus 6 ER है आपके सामने, OnePlus 6, मैं इसको दो रीजन की वजह से यूज करता हूँ। पहला है ऑक्सीजन OS, जबरदस्त। एंड अभी अभी भाई ने यूज किया था, भाई पहले इंप्रेशन क्या थे? बहुत अच्छा लगा। ये इंटरफेस ना देखो, हर एक चीज फास्ट होना डिफरेंट है, ये चीज कंसिस्टेंट है, ये ना मैं एंड्रॉइड 1 लेना प्रेफर नहीं करूंगा, ये लेना प्रेफर करूंगा। ऑक्सीजन OS में क्या है कि एक स्टॉक एंड्रॉइड है, आपको जो बढ़िया बढ़िया फीचर चाहिए ना, ऐप लॉक सब कुछ मिलता है इसमें, सब कुछ मिलता है। सेकंड, इसका मुझे सबसे अच्छा लगता है जो इसके कैमरास आते हैं जिस बजट में, वो तो जबरदस्त। आप वीडियो देख रहे हो ठीक है, बट इसका जो रियर कैमरा अनुज भाई 4K 60fps रिकॉर्ड करता है, OIS इसमें है, इसका स्लो मोशन 720p पे 480fps फॉर 1 मिनट, 960fps अगर दे देते वो 0.2 सेकंड्स के लिए होता है, ये 480fps है बट 1 मिनट के लिए। ये फीचर ना मुझे OnePlus को यूज करने के लिए, इसका तो कैमरा मुझे मतलब काफी बेटर लगा, रियर कैमरा इसका Acer Zenfone 5Z से भी मुझे अच्छा लगा। एंड इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये तो हमारे हो गए प्राइमरी फोन, अभी हमारा फोन इतना ज्यादा यूज होता ना अनुज भाई, मेल्स, सोशल मीडिया बहुत, अगर एक हमने सेकेंडरी फोन अगर जो जिसे बोल रहे कि मिड रेंज फोन हमने रखना हो, तो अनुज भाई आप कौन सा रखोगे? देखो एक्चुअली क्या है, एक फोन तो प्राइमरी फोन है ही, दूसरे फोन की ना टेस्टिंग चलती रहती है, कभी कोई कभी कोई। वैसे आजकल मैंने रियलमी 2 Pro रखा हुआ है जो सेकेंडरी फोन है, 8GB वाला वेरियंट है ये, तो ये मैं रख रहा हूँ आजकल सेकेंडरी फोन। इसमें आपको अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है? देखो मैंने ये बेसिकली रखा हुआ है स्टोरेज के लिए, 128GB स्टोरेज है इसमें, जो बजट में आता है, बिल्कुल 8GB रैम है, रैम मैनेजमेंट इसकी काफी अच्छी है। बाकी फ्रंट कैमरा इसका भी इतना अच्छा नहीं लगा मुझे जितना कि होना चाहिए था, नहीं तो मैं वीडियो इसी से बनाता अपनी, ठीक है। तो स्टोरेज है इसमें काफी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड द थिंग इज कि ये फोन काफी लाइट वेट भी है, इतना हैवी नहीं है, परफॉर्मेंस भी ठीक है ना।
अगर मेरे को कोई अपना सेकेंडरी फोन रखना हो, बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पास कोई फोन आ जाता है रिव्यू के लिए तो मैं वन प्लस सिक्स को साइड में रख देता हूँ, बट मेरे को अगर कोई सेकेंडरी रखना हो वो है जेनफोन मैक्स प्रो M2। ये मेरे को ना पूरा का पूरा फोन भाई ये मेरे लिए बनाया गया। देखो मैं YouTube बहुत वीडियोस देखता हूँ, बहुत कम लोगों ने अप्रिशिएट किया अनुज भाई मानेंगे कि इसका जो स्पीकर क्वालिटी है जबरदस्त टॉप नॉच। उसके बाद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6, चलो मेरा तो काम सही बताऊं तो 3 से भी चलता था, मैं फोन को प्यार से रखता हूँ। उसके बाद मुझे इसमें अच्छी बात क्या लगी है कि इसमें आपको डेडिकेटेड सोल्यूशन मिलते हैं, 2 सिम के साथ 1 माइक्रो SD, फिर आपको अनुज भाई 5000 mAh की बैटरी, और आप हाथ में लोगे तो फोन लाइट वेट हैवी नहीं लगेगा, हैवी नहीं है, ठीक है। सब फीचर एंड सॉर्ट ऑफ डिसेंट कैमराज मैं बोलूंगा, देखो जो बंदा वन प्लस यूज कर रहा वो ऐसा तो बोलेगा कि नहीं मैक्स प्रो के कैमरा अच्छे, मैं बोलूंगा रेडमी हैज अ गुड कैमरा, बट ओवरऑल बहुत ही स्टेबल फोन है मेरे हिसाब से। मतलब हम कह सकते हैं ये ऑलराउंडर फोन है बजट के हिसाब से 12-13 हज़ार की रेंज में। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे प्रीमियम टच चाहिए फोन में, मत लेना भाई, ये भी मत लेना और रियलमी भी मत लेना, गो फॉर रेडमी नोट 6 प्रो, वो हाथ में बेहतर लगता है, गो विद समथिंग लाइक ऑनर 8X। रेडमी नोट 6 प्रो मुझे काफी अच्छा लगा, स्लिम फोन है, काफी स्लीक अच्छा लगा वो, स्लीक ऑनर 8X, बेस्ट लुक, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, बजट है ना उसके साथ जा सकते हैं। बट ये जो हमने स्मार्टफोन बताए ये हमारी नीड्स को सूट करते हैं, हर बंदे का अपना बजट, हर बंदे की अपनी नीड है। सेकेंडरी फोन हमारे तो होते रहते हैं चेंज, हर 2-3 दिन में हमको चेंज करना पड़ता है, कोई ना कोई टेस्टिंग चलती रहती है। बट अगर मैंने रखना है ना आज की डेट में भी फोन, दैट विल बी मैक्स प्रो M2 सीधे ही। या मैं अगर रखना चाहूँ ना, मेरे को नोकिया 6.1 प्लस भी काफी अच्छा लगता है सेकेंडरी फोन के लिए। नोकिया 6.1 प्लस ना एक लेजेंडरी फोन है, कॉम्पैक्ट फोन है, मतलब एक अच्छा लगता है हाथ में लेकर। मैं 1 प्लस यूज करता हूँ, ठीक है, उसकी बिल्ड क्वालिटी ना जो इनहेड व्हील है नोकिया 6.1 प्लस की 1 प्लस से बेहतर है। मतलब कुछ भी कह लो, नोकिया की जो बिल्ड क्वालिटी है उसको ये ब्रांड्स कम्पीट नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल। आने वाले टाइम में क्या होते हैं हम नहीं कह सकते, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ 20,000 की रेंज में बहुत ही मुश्किल है कम्पीट करना। वैसे साहिब भाई एक बात बताओ, अब आपका टेस्टिंग के लिए कौन सा फोन आने वाला है? टेस्टिंग का तो पता नहीं, बट मेरा अगर कोई प्राइमरी फोन अब होगा वो होगी गैलेक्सी S10 की सीरीज। सिंपल सा रीजन है हेडफोन जैक। वन प्लस ने हेडफोन जैक निकाल के ना एक लॉयल कस्टमर को हिला दिया। मैं हर एक बंदे को अनुज भाई से आज नहीं, मैंने कई बार बताया अनुज भाई को कि वन प्लस मैं प्राइमरी यूज करता हूँ, बट जहां पर बात आएगी ना हेडफोन जैक की मैं छोड़ दूंगा। मेरे को पता क्या दिक्कत आई थी, उन्होंने एक तो हेडफोन जैक उड़ाया, चलो ठीक है, कम से कम उसकी IP रेटिंग दे देते ना। नहीं ऐसे दिक्कतें वन प्लस में देखी जाए ना तो बहुत है, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। पता क्या है, मेरे कई सर्कल में यूज कर रहे हैं फैमिली में, मतलब वो 3-3 साल से यूज कर रहे हैं वन प्लस के फोन, आज तक उन्हें दिक्कत नहीं आ रही। मेरा फ्रेंड है वन प्लस 3 यूज करा, अभी मैं उससे मिलने जाऊंगा, तो वन प्लस 3 बंदा यूज कर रहा है और लिटरली आज तक मेरे को बोलता कि लैग नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ये एक तारीफ ही है वन प्लस की। पता नहीं ये मिड रेंज सेगमेंट में हमें ऐसे स्मार्टफोन्स कब देखने को मिलेंगे जो हम 3 साल बाद भी कहेंगे। हार्डवेयर की बात नहीं होती, जो भाई आपको हार्डवेयर आज मिल रहा है ना वो आपको कभी मिलता ही नहीं था। कभी सोचा था स्नैपड्रैगन 660 आपको 13,000 वाले फोन में मिल जाएगा, तो थिंक इज सॉफ्टवेयर। अब तो 10,000 में मिल गया रेडमी नोट 7। हां वो देख लो 10,000 में आ गया। अभी थिंक इज वो उसका सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया भाई, MIUI जबरदस्त है। तो ये थी कुछ हमारी डिस्कशन, ठीक है, कि हम कौन से प्राइमरी फोन यूज करते हैं, क्योंकि इतने सारे फोन टेस्ट करते हैं, कुछ तो हमें पसंद होगा वो आपको हमने बता दिया। हर एक बंदे की अपनी नीड्स है, ठीक है भाई, बिल्कुल। एंड भाई अनुज भाई का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एक बार चेकआउट डेफिनेटली करना, आप एक बार तो करोगे और पसंद आ जाएगा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कोई कॉमेंट क्वेरी कुछ भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो।